स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड को पढ़ाऊंगी मैं और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैथ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और मैथ सब्जेक्ट में हम एक्सरसाइज सबसे पहले 1.1 पढ़ेंगे, जो क्या है रिवीजन, जो हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था उसी का एक बार हम रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द न्यूमेरल्स, यानी आपको क्या दे रखा है, किसी वर्ड्स यानी डिजिट्स की मीनिंग दे रखी है, आपको उसको डिजिट में लिखना है। तो आपको वंस टेन हंड्रेड के बारे में तो पता ही है कि पीछे वाली संख्या वंस, बीच वाली संख्या टेन्स और साइड वाली संख्या हंड्रेड। अब आपको क्या दे रखा है, 126, ये वर्ड 100 की जगह आ गया 20 और 6, यानी 2 प्लस 2 को 10 से इंटू करेंगे तो 20 आ गया और 6 तो 26 हो गया ये। अब उसी तरह से आपको, वैसे आपके है ना इसमें बुक्स में जो है आपके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको दो दो ही बताऊंगी और बाकी के मैं फील करके आपको फोटो सेंड कर दूंगी, तो आप अपने अपने नोटबुक में कर लेना। फिर 269, तो ये 269। अब है राइट द नंबर्स नेम, आपको नंबर्स दे रखे उनके नेम लिख लेते। पहले हमने क्या किया था, जस्ट इसका अपोजिट, कि हमने नेम दे रखे थे तो हमने नंबर्स लिखे थे, अब हमें नंबर्स दे रखे और नेम लिखना है। 563 दे रखा है तो 5 की मीनिंग लिखनी है, 5 फिर 100 HUNRDED 100 और SIS 66 563। अब है 235, 235। अब आपको दे रखा है काउंट बैकवर्ड एंड राइट, आपको बैकवर्ड यानी आपको उल्टी काउंटिंग करनी है। 210 से पहले आता है 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203 और ये आ गया नंबर 202। इसी तरह से अब हमें काउंट फॉरवर्ड एंड राइट, अब हमें आगे करनी काउंटिंग, पहले हम पीछे गए थे वो आगे करनी। 502 के बाद 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 और ये हमें आखिरी डिजिट मिल गई 510। तो ये तो हमारे 16 हो गए। अब हमें है प्लेस वैल्यू, क्वेश्चन 95 है एक हमारा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट इन द नंबर। प्लेस वैल्यू निकालनी है, कुछ नंबर दे रहे हैं अकॉर्डिंग। करके मुझे सेंड करें और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।